बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो अभी मैं ऊपर जा रहा था तो मैंने कहा क्यों ना रियो को भी साथ ले जाएं, ये बोलने नहीं देंगे। तो आज इनकी राज और सिमरन के साथ दोस्ती कराने की कोशिश करेंगे। लास्ट टाइम तो लड़ाई हो गई थी, तो आज देखते हैं कि ये दोस्ती करते हैं या आज फिर लड़ाई होगी। तो अभी ऊपर जाते हैं और फिर राज को निकालेंगे। राज बाहर आते हैं, सिमरन तो बाहर आती ही नहीं है, तो उनको निकालते हैं और देखते हैं कि आज ये दोस्ती करेंगे या नहीं। तो अभी चलते हैं। तो ये मैं यहाँ पे आ गया हूँ, दरवाज़ा बंद कर लेते हैं क्योंकि लड़ाई हो सकती है। तो अभी इनको इनकी केजेस पे बिठा देते हैं, यहाँ पे मिट्टू को बिठा देते हैं और साथ में रियो को भी बिठा देते हैं। और यार ये प्लास्टिक से भी डरते हैं, ये देखो प्लास्टिक से भी डर रहे हैं, प्लास्टिक से भी। क्या हो गया मिठू? अच्छा, इनको यहाँ पे बिठाते हैं, इस केज पे बिठा देते हैं क्योंकि ये बेचारे प्लास्टिक से भी डर रहे हैं। तो अभी मैं निकाल लेता हूँ राज को, निकाल के आ लेता हूँ दरवाज़ा खोल, वो खुद ही बाहर आ जाएगा। वैसे भी उनका खाना चेंज करना है, बाहर तो वो निकलेगा, तो दरवाज़ा खोलते हैं वो खुद बाहर आ जाएगा और देखते हैं ये उसके साथ दोस्ती करते हैं या नहीं। और यहाँ पे भी ये चिपक कर बैठ गए हैं और डर रहे हैं, ये देखें। तो इनको अभी नहीं निकाल सकते क्योंकि अभी मैंने यूनिवर्सिटी के लिए भी निकलना है, फिर इनको पकड़ना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अभी रोशनी भी है, वैसे तो मैं रात को निकालता हूँ, जब पकड़ना होता है लाइट ऑफ कर देता हूँ, तो इनको मैं पकड़ लेता हूँ तीनों को। पर अभी जो है फिर मुश्किल होगा क्योंकि रोशनी भी है। तो अभी सिर्फ हम राज को निकालेंगे। तो राज का दरवाज़ा खोलते हैं और ये राज पहले से ही आ गया, ये देखें। और ये बाहर आ गए, अभी देखते हैं ये खुद जाएगा उनके पास। ओह मिठू फिर भाग गए और मिठू के पीछे पड़ गए। ये देखें फिर इनकी लड़ाई होने लगी। मिठू को इधर ले आते हैं, मिठू आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, इधर बैठो। तो ये यहाँ पे भी लड़ रहे हैं, मेरे हाथ पे भी लड़ रहे हैं। तो मिठू को उठाते हैं, मिठू को वापस उधर रखते हैं और इधर छोड़ देते हैं। अब ये यहाँ पे फिर बैठ गए, रियो भी उड़ गई। अच्छा दोनों डरते हैं, दोनों इन्होंने नहीं दोस्ती करनी, ये देखें। अच्छा वो भी उड़ रहे हैं और ये भी। तो राज यहाँ पे आके बैठ गए। तो अभी देखते हैं फिर बिठाते हैं, एक बार लास्ट ट्राई करते हैं कि इनकी दोस्ती हो जाए, अगर इन्होंने दोस्ती की तो। ये राज जो है ना, ये इन बेचारों को डरा रहे हैं और ये यहाँ पे इनके पास नीचे आ गया। वो देखें मिठू को भगा। वो डब्बे के नीचे घुस गए। अच्छा वैसे डर आ रहा है, कुछ कह रहा नहीं, उड़ के जाते हैं ना, वो डर जाते हैं इससे। ये राज को पता नहीं क्या मसला है, अब जंपे कर रहे हैं यहाँ पे और मिठू और रियो वहाँ पे वॉशरूम की तरफ भाग रहे हैं। तो उनको उठा लेते हैं, उनको बिठाते हैं अपने पास क्योंकि उन बेचारों का दिल बड़ा कमज़ोर है। अच्छा रियो अभी सोच रहा है, रियो ने काट लेना। रियो डरता नहीं है लेकिन अभी पता नहीं क्यों डर रहे थोड़ा। और वो वहाँ पे राज बैठे हुए, उसको बुलाते हैं, आ जाओ आ जाओ। उसने नहीं आना, वो वहाँ पे बैठो। तो मिठू को यहाँ पे बिठाते हैं, उनका खाना तब तक चेंज कर लेते हैं, बल्कि उसको उठा के ले आते हैं, उसको अपने केज में छोड़ देते हैं। आ जाओ, इसने मेरे साथ यूं ही चिपक के रहना है, ये अब मेरे साथ मस्ती करेगा। काटते भी कान पे काटना शुरू कर देते हैं, इसको कंधे पे बिठाओ। तो इसको इसके केज में छोड़ते हैं, यहाँ पे छोड़ देते हैं, इसके केज पे मैं बिठा देता हूँ इसे। अब उतरेगा नहीं, अब चिपका रहेगा मेरे साथ यूं ही। तो मिठू और रियो यहाँ पे आराम से अब बैठ गए, तब तक मैं इनका खाना वगैरह चेंज करता हूँ, जो सुबह वाला है वो निकाल देता हूँ। इनको जूस डाल के देना है तो वो कर देते हैं, फिर ये राज जो ये खुद चला जाएगा, वैसे ही नहीं जाता, इसका मुझे पता है ना। तो ये यहाँ पे गिरा देते हैं और इसमें इनको डाल के देते हैं अब जूस। जूस डालूंगा ना तो ये फिर केज में जाएगा, वैसे ही नहीं जाएगा। जूस
डाल दिए, अब इनको अंदर ले जाते हैं, ये अंदर पीता रहेगा आराम से। अब इनको जो सिमरन है वो भी नीचे आ गई, और देखे उस पर भी गुस्सा करता है। अच्छा इसका है ही नेचर ही इस तरह, इन पे भी गुस्सा करते हैं, मिठू और रियो पे भी, और सिमरन और राज पे भी गुस्सा करता है। सिमरन और राज कह रहा हूँ, राज जो है वो सब पे गुस्सा करता है, इसका नेचर ही यूँ है। तो अभी ये बंद कर देते हैं। अच्छा यहाँ से चिंकी को निकालते हैं, चिंकी जो है वो नहीं उड़ती इतना, वो टैम है, अच्छे से टैम है। उनकी जो चिंकी की है वो दोस्ती कराते हैं मिठू और रियो के साथ, देखते हैं उसके साथ दोस्ती करते हैं या उससे भी डरते हैं। तो मैं उसको निकाल लेता हूँ। आ जाओ, फिर बाकी आ जाएंगे, आ जाओ। अब ये डर रही है, अच्छा ये चिंकी उनसे अब डर, इसको ऊपर बिठा लेते हैं और देखते हैं। चिंकी डर रही है, अब उड़ेगी तो मिठू और रियो जो है वो डरना शुरू कर देंगे, तो देखते हैं। ये देखें इसने उड़ना है, अभी इसने उड़ना है। अच्छा इसको पकड़ना आसान होता है क्योंकि ये थोड़ा सा उड़ के आगे मेरे सर पे ही बैठी थी, और बाकी दो जो हैं उनको पकड़ना मुश्किल होता है, अभी जाके फंके पे बैठ गई मैं। लेकिन अभी थोड़ा बहुत घूम फिर के ना आके मेरे सर पे ही बैठेगी ये। और रियो और मिठू इनसे नहीं डर रहे क्योंकि हमारे पास जो पहले थी ना चेरी, तो वो मिठू के साथ ही रहती थी, इसलिए मिठू इनसे नहीं डर रहा, बाकी उसे डरता है। और जो चार्ली से है वो चार्ली से भी ये डरता है। अच्छा इनको इनके केज में छोड़ के देखते हैं इनकी क्या रिएक्शन है। मिठू को छोड़ते हैं, मिठू को नहीं रियो को छोड़ते हैं क्योंकि मिठू बहुत डरते हैं। रियो नहीं, रियो भी डर रहे, छोड़ो नहीं करते, नहीं डरते रहेंगे तो क्या फ़ायदा। इनको अंदर नहीं छोड़ते, जो हमारा लव बर्ड का पैर है वो अंदर ही है। बच्चा भी काफ़ी बड़ा हो चुका है, एक दो दिन में उसकी आंखें खुल जाएंगी। और ये यहीं पे हैं, और यहाँ पे चेक करते हैं फीमेल ने दूसरा अंडा दिया है या वहीं एक अंडा, तो चेक करते हैं। फीमेल और मेल दोनों बाहर निकल आए हैं, आज तो एक अंडा भी नहीं नज़र आ रहा, पता नहीं वो कहाँ गए। मैं चेक करता हूँ, इनका जो एक अंडा था वो भी हाइब है। अच्छा एक अंडा था, मेरे ख्याल से वो भी ये खा गए या टूट गए, जो भी हुए, या तो ये नेस्ट भी हर दिन चेंज कर रहे होते हैं, तो मे भी उसकी नीचे कहीं छुप गए, तो वो मैं चेक कर लूँगा। अगर पड़ा हुआ तो वो मैं ऊपर कर दूँगा, क्योंकि यूँ अगर इसके नेस्ट के नीचे चला गया तो वो तो ख़राब हो जाएगा। तो उसको हम यहाँ पे कोने में रख देंगे ताकि वो इंक्यूबेट हो, एक बच्चा तो निकले ना, जिस तरह उन्होंने एक बच्चे निकाले ये भी एक बच्चे निकाल लें। तो दूसरा अंडा भी जो है वो इनका टूट चुका है, मैंने चेक किया है, वो नीचे दबकर टूट चुका है इनका। मुझे समझ नहीं आती, पता नहीं ये नेस्ट भी किस तरह बनाते हैं, हर दिन उन्होंने नेस्ट की सेटिंग भी चेंज की होती है। तो इनका दूसरा अंडा भी टूट चुका है, मतलब इनका कोई बच्चा अब नहीं आएगा। इन्होंने दो ही अंडे दिए थे और दोनों टूट गए, एक तो पहले जो बॉक्स गिरा था उसकी वजह से टूट गया था, और ये जो है ये नीचे आकर। सुबह ठीक था, सुबह मैंने देखा था सुबह बिल्कुल ठीक था, अभी जब मैंने चेक किए तो ये टूट चुका है। और ये जो हमारी चिंकी है वो फिर आके नीचे बैठ गई, और अभी मेरे ख्याल से ये इनसे दोस्ती करने की कोशिश कर रही है, तो हो सकता है इनकी दोस्ती हो जाए आज, ट्राई करते हैं। तो ये नीचे उतर आई है, इसको मेरे पास आना है, देखें अभी मैं हाथ पकड़ूँगा ना आके बैठ जाएगा। बेइज्जती करवा देना हमेशा, कभी सुनना नहीं मेरी। नहीं अभी इसने नहीं आना फ़िलहाल, फ़िलहाल इसने यहीं पे बैठना है। अभी जो था वो राज और सिमरन की केज पे बैठी हुई थी, अब यहाँ पे आके इनके साथ बैठ गई। और यहाँ पे जो हमारा चेरी है वो बार बार निकलने की कोशिश कर रहा है, और चार्ली भी, तो अभी तो नहीं निकालना है, ऐसे भी बंद करना है। और ये जो है इसके साथ, आज मैंने फ़ीमेल को छोड़ा था लेकिन ये फिर से मार रहा है फ़ीमेल को, असल में फ़ीमेल की एज कम है तो इसलिए ये उसको मारता है, वो भी ब्रीडिंग के लिए रेडी नहीं है और ये उसको मारता है। तो अभी हमने क्या करना है कि जब वो बिल्कुल ठीक होगी, उसके सर पे बाल आ जाएंगे, तभी हम उसे दोबारा छोड़ेंगे, वरना उसके सर पे बाल नहीं है और ये उसे ज़ख्मी कर देगा फिर से। तो अभी फ़िलहाल हमने नहीं छोड़ना, फ़ीमेल जो है वो अकेले यहाँ पर बैठी हुई है, डर गई है क्योंकि वो बार बार उड़ रहा है हमारा चिंकी। चिंकी आ जाओ,
अच्छा इसको इनकी तरफ लेकर जाते हैं, देखते हैं क्या करते हैं। ये देखें, ये मतलब चिंकी की दोस्ती हो जाएगी इनके साथ। अच्छा आ जाओ, नहीं ये इसको इधर लेकर जाते हैं, ये उड़ गई और ये मेरे पास आके बैठ गई। तो इसका यही होता है। तो आज का जो ब्लॉग था वो यहीं तक था। उम्मीद करता हूँ आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। अब अगर ये ब्लॉग पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मुझे दीजिए कल तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।